next problem, solve log to the base x of x square minus 1 less or equal to 0. अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको लोगरिथम में पढ़ाया हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पर जिसमें क्या है, ये है log of x to the base a for a is greater than 1, राइट, एंड दिस इज यहां से एक ऐसे है, राइट, ये log of x to the base a for 0 is less than a is less than 1, यानी जब बेस a से छोटा है, देखिए जब बेस a से छोटा है तो ये, अब log x का ग्राफ ये है जो डिक्रीजिंग कर्व है, और जब बेस a 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व है। अब देखिए निगेटिव पार्ट क्या है, log का वैल्यू दिया दिस इज लेस देन 0, यानी log का ये वैल्यू निगेटिव है, यानी अगर इसकी बेस ग्रेटर देन 1 की बात करें हम तो दिस पार्ट इज निगेटिव, और बेस लेस देन 1 की बात करें तो दिस पार्ट इज निगेटिव। अगर इसको एनालाइज करें हम लोग, देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, ये पॉइंट है 1 0, तो देखिए अगर ये मान लीजिए यहां पर हम कुछ भी लेते हैं तो ये नंबर क्या है, सपोज दिस नंबर इज x और इसका वैल्यू है यहां पर माइनस समथिंग, राइट, माइनस कुछ भी हो सकता है, राइट, दैट इज, और सीधी सी बात क्या, माइनस समथिंग वैसे नहीं, ये निगेटिव ही होगा, यहां पर जो भी इसका वैल्यू होगा दिस इज माइनस ऑफ log x, ठीक है। तो देख हम क्या देखते हैं कि देखिए यहां पर ये नंबर x, x भी x से कम है, राइट, और यहां पर देखिए x x से कम है, और ये किसके लिए है, a ग्रेटर देन यू नो बेस x से ज्यादा है, राइट, यहां पर देखिए इस केस में बेस x से ज्यादा है इस केस में, और नंबर x से कम है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक रेफरेंस लाइन 1 बनाए तो नंबर अगर ये 1 के इधर रहेगी तो हमारा बेस 1 से छोटा रहेगा, राइट, यानी यूनिटी के दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। अगर कोई नंबर निगेटिव है बेस ग्रेटर देन 1 के लिए तो दोनों 1 के अपोजिट साइड में, अगर बेस 1 से बड़ा है इस साइड में है तो नंबर 1 से छोटी रहेगी, देखिए यहां पर क्लियर है। और ब्लू वाली लाइन, ब्लू लाइन के लिए देखें यहां पर, तो यहां पर हम क्या देखें, ये अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो निगेटिव वैल्यू, और यहां पर हम क्या देखें कि जो नंबर का वैल्यू है दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज माइनस लॉग ऑफ एक्स डैश। अब ये यहां पर बेस लेस देन 1 है तो अब देख रहे हैं कि नंबर, देखिए बेस लेस देन 1 है यहां पर, देख लीजिए इसके लिए बेस लेस देन 1 है तो नंबर क्या है 1 से बड़ी है, यानी वही हुआ कि अगर ये यहां पर दिस इज बेस एंड दिस इज नंबर, तो ये सेकंड केस में क्या हो रहा है कि अगर बेस लेस देन 1 है, अगर ये बेस है तो नंबर क्या होगी, नंबर आपको ग्रेटर देन 1 होगी, माने अगर किसी भी नंबर का लॉगरिथम निगेटिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड में हो, अगर एक यूनिटी के इस साइड में हो तो दूसरी यूनिटी के दूसरे साइड में हो, अगर एक लेस देन 1 है तो दूसरा ग्रेटर देन 1 हो, राइट, इस कंसेप्ट का। देखिए अब यहां पर इस ब्लॉक का वैल्यू निगेटिव है इसलिए हमको दो पॉसिबिलिटी है, यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, नंबर 1 केस 1 बनेगा हमारा इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 है, देखिए ये वाला ब्लैक वाले कर्व की लेंगे तो हमारा नंबर क्या होगी, नंबर के जवाब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, हमारा ये नंबर, देखिए सबसे पहले एक तो ये कंडीशन है, इस नंबर के लिए क्या कंडीशन होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, एक तो ये कंडीशन होगा, और दूसरा एक्स ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस और इक्वल टू
ये लेस देन इक्वल टू भी लगेगा इसमें, ये दोनों यूनिटी के। देखिए अगर बेस ज्यादा है तो ये नंबर वन से कम होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन ये होना चाहिए। ये हमारे पास दो कंडीशन मिल रहे हैं, किसके लिए, जब एक्स ग्रेटर देन वन है। अब आइए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो दोनों को हम कंबाइंड ये लें कि दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस और इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन कहाँ है, यहां लाई कर रहा है हमारा, इसका मतलब क्या, दोनों तो और सब में वन जोड़ दें तो वन इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू टू, रूट ले लें तो ये मॉड होगा वन इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू रूट टू। देखिए हमारा ये आ गया कि मॉड एक्स लेस देन रूट टू हो, राइट, तो अब यहां पर मॉड एक्स लेस देन रूट टू हो तो हम क्या करेंगे, एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। देखिए ये लेस देन रूट टू वाली बात है तो दिस विल बी माइनस रूट टू टू वन, ये क्लोज नहीं होगा, वन क्लोज नहीं होगा यहां पर, यूनियन यूनियन वन टू रूट टू, रूट टू क्लोज होगा, राइट, ये सॉल्यूशन हुआ माइनस रूट टू टू सॉरी ये माइनस वन होगा, माइनस रूट टू टू माइनस वन और ये वन वन से रूट टू के बीच में। अब देखिए हम केस कर लिए हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स तो हमेशा वन से बड़ा है और ये निगेटिव नंबर है, इसलिए ये तो जस्ट संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए यहां से क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमको, यहां से सॉल्यूशन मिलेगा कि दिस एक्स बिलोंग टू व्हाट, वन टू रूट टू टू इंक्लूडेड है, दिस इज इक्वेशन नंबर एक सॉल्यूशन मिला हमको, राइट। अब आइए दूसरे केस टू की बात करते हैं हम, अब केस टू में क्या होगा, केस टू में देखिए, केस टू में क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वन है तो अभी हम मानते हैं कि इफ एक्स इज लेस देन वन, राइट, हमारा बेस लेस देन वन है, तो बेस लेस देन वन है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये नंबर ग्रेटर देन वन होगी। देखिए अगर इफ एक्स इज लेस देन वन देन, अच्छा इसमें ये तो इंक्लूड है ही कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, तो ये क्या होगा कि अगर ये एक्स लेस देन वन है, अगर बेस लेस देन वन है तो ये जो नंबर है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन, राइट, यहां पर क्या हो जाएगा, वन भी हो सकती है, जीरो की बात है तो वन भी हो सकती है और ये वन से ज्यादा भी हो सकती है, ये एक सॉरी ये दिस विल बी वन, यूनिटी भी हो सकती है क्योंकि जीरो वाले केस के लिए और यूनिटी से ज्यादा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, और दूसरा था कि मैं यहां से आया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो तो ये ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, राइट। तो देखिए अब यहां से हमको क्या मिला कि अगर एक्स लेस देन वन है तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू टू हुआ और मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू रूट टू, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग टू, देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन, अब ये देखिए अच्छा ये रूट टू तो इंक्लूडेड होगा क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू टू है और यूनियन रूट टू से इन्फिनिटी, राइट, देखिए रूट टू से इन्फिनिटी, अगेन एक्स इज लेस देन वन है, अब देखिए यहां पर एक्स इज लेस देन वन है तो क्या हो जाएगा, अब ये लेस देन वन ये माइनस रूट टू एक्स इज लेस देन वन यहां पर हम किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज लेस देन वन होगा तो कभी भी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि जीरो से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता,
तो x 0 से ज्यादा होगा और 1 से लेस होगा, राइट। देखिए अगर ये नंबर लाइन पर बताते हैं तो दिस इज 0, ये रूट 2, ये 1 है, ये 2 है और इसके बीच में यहां पर होगा कहीं रूट 2। तो ये x का वैल्यू कहां जा रहा है, रूट 2 टू इन्फिनिटी, यहां से इधर ही है। और ये क्या बोल रहा है कि x 1 और 0 के बीच में है, x यहां पर, x यहां पर है 0 और 1 के बीच में। और सॉल्यूशन में आ रहा है कि आपका x यहां पर है या माइनस रूट 2, दिस इज 1 माइनस 1 एंड दिस इज माइनस रूट 2, इससे कम है, राइट। तो देखिए न ये हो गया और न ये होगा, एक 0 और 1 के बीच में आप लेकर के चले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू फाई, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब आपका पहले इक्वेशन में क्या रहा था, एक ही x बिलोंग टू 1 रूट 2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग टू व्हाट, 1 रूट 2 एंड दिस विल बी द ओके, थैंक यू।